हेलो फ्रेंड्स, सोयाबीन बहुत फायदेमंद होती है जिसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और ये गर्भवती महिला के लिए बहुत फायदेमंद होती है। सोयाबीन आसानी से उपलब्ध भी होता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो सोयाबीन का इस्तेमाल अपने खाने में जरूर करें। इससे आपके गर्भ को बहुत फायदे मिलेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपके घर में पल रहे शिशु को भी उचित पोषक तत्व मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी के दौरान सोयाबीन खाने के क्या क्या फायदे होते हैं वही बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सोयाबीन में आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, ओमेगा 3 फैट, विटामिन के, मैग्नीस, फास्फोरस और कॉपर होता है। इसके साथ साथ सोयाबीन में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गर्भवती महिला और घर में पल रहे शिशु के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, जो महिलाएं नॉनवेज नहीं खाती हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो फायदे नॉनवेज खाने के बाद मिलते हैं वही फायदे आपको सोयाबीन खाने से मिलेंगे। जो महिलाएं अंडा, मीट, मछली, नॉनवेज फूड नहीं खाती वो सोयाबीन का इस्तेमाल जरूर करें। और जो नॉनवेज खाती हैं पर वो डरती हैं कि अगर ज्यादा नॉनवेज खा लेंगे तो गर्भ को नुकसान पहुंच सकता है, पर सोयाबीन खाने से कोई नुकसान नहीं होता, किसी भी महीने खा सकती हैं, ये आपके लिए और भी फायदेमंद होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोटीन का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है और नॉनवेज फूड में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। लेकिन जो महिलाएं शाकाहारी हैं, जो नॉनवेज नहीं खाती हैं, उनके लिए शरीर में प्रोटीन की जरूरत पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। सिर्फ सोयाबीन ही प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिला को सोयाबीन जरूर खाने चाहिए जो नॉनवेज नहीं खाती। दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ कि सोयाबीन में जो पोषक तत्व होते हैं उनके क्या क्या फायदे होते हैं गर्भवती महिला और घर में पल रहे शिशु के लिए। सोयाबीन में ओमेगा 3 होता है जो गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में मदद करता है। ओमेगा 3 शिशु की आंखों की रोशनी को बढ़ाने का भी काम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान सोयाबीन खाने से डिलीवरी के बाद शिशु के लिए दूध का उत्पादन सही मात्रा में होता है। इसमें मौजूद तत्व प्राकृतिक रूप से दूध का उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं। सोयाबीन गर्भवती महिला के शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित करने का काम करता है। दोस्तों, सोयाबीन में बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो गर्भवती महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सोयाबीन खाने से प्रेगनेंसी के दौरान वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि वजन नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं का ब्लड प्रेशर घटते बढ़ते रहता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। सोयाबीन इस समस्या से निजात दिलाने में मदद करती है। यह आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके ब्लड फ्लो को सुधारती है ताकि शिशु का विकास सही तरीके से हो सके। सोयाबीन में फाइबर होता है जो गर्भावस्था के दौरान होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने का काम करता है। दोस्तों, इतने सारे फायदे जानकर भी अगर आप सोयाबीन नहीं खाते हैं तो नुकसान आपका है। ये आसानी से उपलब्ध भी है, सबके पहुंच के करीब है, इसलिए सोयाबीन का इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान जरूर करें, चाहे आप नॉनवेज खाती हों या नहीं खाती हों। जो नहीं खाती हैं उनके लिए तो बहुत फायदे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।